ये मेरे टेरेस गार्डन का फ्लावर है, तो ये जो येलो कलर का फ्लावर है, ये बहुत सारा फ्लावर है, तो बहुत ही खिल गया, इसका सीजन आया है, तो बहुत ही कली है, बहुत ही खिल भी रहा है और बहुत देख सकते हैं मुरझा भी गया है। तो इसी के बीज इसमें गिर जाता है तो हर साल जम जाता है, अलग से इसका बीज मैं नहीं रखती हूँ। तो ये देख सकते हैं कली से भरा हुआ है, बहुत ही खिला है फूल। तो इस तरह आपको दिखा रहे, देखिए तो ये भी है जो गेंदा के फूल है, तो देख सकते हैं छोटे साइज में ये, तो ये भी बहुत खिलता, अभी शुरू हुआ है खिलना। तो ये भी खुद बीज मिट्टी में गिर गया था, जम गया, बहुत सारा ये भी जम गया था, मैं इसे छोड़ दी। तो इसमें भी बहुत ही अच्छा फूल आना शुरू हो गया है, अभी आ भी रहा है थोड़ा बहुत, इसमें बहुत भर के फूल आता है। तो देख सकते हैं देखने में कितने खूबसूरत लग रहा है ये। तो इस तरह से ज़्यादा केयर भी नहीं करना पड़ता है। तो देखिए एक बार लगा दिए सब पौधा तो हमेशा आपके गार्डन में बना रहता है। तो इस तरह मैं कुछ लगाए हूँ तो हरा भरा दिख रहा है, देख सकते हैं। तो देखिए भी शाम को खिलता है, भी बहुत सुंदर लगता है। तो ये सब फूल जो नीला वाला अपराजिता है, सफ़ेद भी है, नीला भी है, तो भी बहुत जम जाती है, तो इसके बीच से बहुत ज़्यादा तैयार होता है। तो इस तरह देख सकते हैं मैं टेरिस में लगाई हूँ तो सभी दिखा रहे हैं आपको। इस तरह अभी सोपति फूल सब है। तो इस तरह कुछ टेरिस गार्डन में हम रखे हैं। तो ये सोपति है, तो जिधर छाया था उस साइड हम कर दिए हैं कि कम धूप से लगे, ये तो छाया में भी बहुत ही अच्छे से रहता है। तो ये तो अपने आप में एक फूल की तरह दिखता है, ये सोपति कलरफुल है। तो इस साइड भी है, तो इससे मैं ज़्यादा केयर नहीं करी हूँ, ये अपने आप बारिश में उग गया है, बीज उजी सब है। तो एक में बहुत सारा पौधा है, मैं अलग नहीं करी थी, तो इसी सब में फूल खिल रहा है। आप अलग से एक एक कर दे तो बहुत ही हेल्दी भी हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा खिलता है। तो इस तरह फूल अच्छा लगता है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत खूबसूरत फूल खिला हुआ है। तो देख सकते हैं, तो ये अपने टेरिस में छत में जो हम लगाए हैं हम दिखा रहे हैं, सभी बेस्ट डब्बे में लगाए हैं। इस सब में अलग अलग पैटर्न के है, ये अभी शुरू हो रहा है खिलना। तो एक ही पॉट में दो तीन सब कलर के हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे बिस्कस के मदार के, तो ये तो बहुत खिलता है, ये तब पेड़ बड़ा बड़ा हो गया है इसका। तो देख सकते हैं ये करी पत्ता सब इस तरह लाइन से रखती हैं दीवार के साथ में सटा के, तक बहुत ही कल बारिश तूफान आया था तो इस तरह पॉट गिर गया था बड़ा, तो इस सब इधर थोड़ा नीचे में झुल गई है। तो इसी में बहुत बड़ा पौधा ये भी हो गया है एक ही साथ दो तीन करके। तो कुछ मेरा गमला गिर गया था, ये स्टैंड से नीचे गिर गया था, हवा आया था तो देख सकते हैं। तो अभी इस तरह लगाइए, बहुत खूबसूरत लगता है।